हेलो गाइस एंड दिगडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रियो लियो और आज मैं तैयार हुआ हूँ। सुबह सुबह करेक्ट 5 बजे मेरे को जाना है वैष्णो देवी और मैं अपने दोस्तों का इंतज़ार करूँगा और वो मुझे मिलेंगे अभी फ़िलहाल टाट में। और यहाँ से अभी मैं निकल गया हूँ अपने स्थान से और ये रहा पीछे का व्यू और आज मौसम भी सही नहीं है तो हम मिलेंगे। तो मैं सीधे सीधे अभी तलिताल डांट में जहाँ मैं अपने मित्रों से मिलूँगा और वो मेरा वेट कर रहे हैं, शायद आगे होंगे और आगे मिलते हैं। ओके सी यू आगे। तो दोस्तों फाइन मैं अभी डांट में पहुँच चुका हूँ और मेरे दोस्त अभी तक आए नहीं है और आप डांट में नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ अभी कुछ खाली खाली सा है और ये हमें इस रास्ते पे जाना है जहाँ पर हवाई अड्डा लिखा है फन नगर। हमें हल्द्वानी तक जाना है, वहाँ से काठगोदाम से हमें बस पकड़नी है और मेरे दोस्त यहाँ से मल्लिकम से जो हाँ को स्कूटी जा रही है वहाँ से आएंगे फिलहाल। और उसके जो जस्ट बगल वाला रोड है भवानी को जाता है और हमें वहाँ जाना नहीं है। तो मैं निकल रहा हूँ हल्द्वानी की ओर को बस स्टेशन। हाँ बस में सीट बना लेता हूँ, वो कह रहा था मुझसे बस में सीट बना लेना और बस में सीट बनाने के बाद मैं बैठूंगा बस खिड़की वाली सीट क्योंकि उल्टी ना हो। और जो अभी सफ़र तय करना है करीबन हमें 30 से 40 किलोमीटर का करना है, फिर वहाँ पर नेक्स्ट स्टेशन से हमें ट्रेन पकड़नी है। सुबह की ट्रेन है 8:30 बजे शायद समथिंग। बस स्टेशन देख सकते हैं बस स्टेशन और सब यहाँ पर खड़े की बस रखना। अभी तो आधी बस खाली है, पैसेंजर आने वाले हैं। देखो कितनी देर में पैसेंजर आते हैं फिलहाल और सब देख रहे हैं। भाइयों 15 मिनट हो गए, मेरे दोस्त लोग अभी तक नहीं आए और बस निकलने को रेडी है। अब पता नहीं कितनी लेट में आते हैं, शायद लगता है लास्ट टाइम पे आएंगे, सरप्राइज दे देंगे। तो अभी 15 मिनट वेट ही करते, बस तो चली गई है 6:30 बजे की बस है फिलहाल। लेट हो गया हूँ थोड़ा, जैसे जल्दी निकल गया था 5 बजे, अब थोड़ा लेट हो गया, इन लोगों ने बहुत लेट कर दिया तो वेटिंग ही करना पड़ेगा मुझको फिलहाल आने दो। और बस में आप ट्रैफिक देख सकते हो सीटें सारे के साथ, बस का माहौल देखो आप पूरी पूरी कच्चा आटा चुका गई है चाका। अब थोड़ी देर में निकलते ही आगे को फाइनली दोस्त ये आया अजय गोली और मोहित 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 मास इसका चेहरा आप डाल दे, हम डाल लूँगा। और फिलहाल अब हम तैयार होते हैं, काफी टाइम भी हो गया, बस निकलने के लिए रेडी है भाई लोग। सबसे ये अभी उठा है इसे उठा के ले गया हां यार ये बहुत गुस्सा मोहित। रात को 2 बजे तक मैच देखा, 2 बजे तक मैच देखा, 2 बजे तो मैं भी सोया हूं। जो फिक्स मैच था, फिक्स मैच था बिल्कुल। अब तो भाई को जिताने दो उन्होंने, और क्या धोनी का लास्ट आईपीएल था। देखो ये अगर लास्ट आईपीएल में फिक्स मैच था सारा का सारा, इनकी डिबेट अभी चलते रहेगी और हम भी आगे को चलते रहेंगे और आगे को दिखाते भी रहेंगे। काम करो नहीं जमीन में बैठ जाओ। फाइनली बस चलने लगी है और हम अपनी डेस्टिनी की ओर चलने लगे हैं। काठगोदाम अभी हमारी डेस्टिनी है, वहाँ पर जाके हमें 2 मित्र मिलेंगे, मनीष लाल चंगे जी और बुराई कुमार अमन। तो उसके बाद हम तुम्हें नेक्स्ट स्टेशन में ही मिलते हैं। बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि पहली बार जा रहे हैं हम सब साथ और इतने लंबे टूर में। हमारे मोहित भाई तो खैर खुशी का ठिकाना नहीं है फिलहाल अभी अज्जू को उठाने के बाद क्योंकि अज्जू ने करी है लेट, भाई हमने नहीं करी है किसी ने लेट। अब कौन सी लेट हुई? नहीं अज्जू जी को टाइम दोस्तों हम फाइनली अपनी डेस्टिनी के काफ़ी करे थे जो कि काठगोदाम स्टेशन, यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर का रास्ता है। उसके बाद हम उतर के सीधे काठगोदाम स्टेशन जाएंगे और अजय गोली की बात बताओ और कह रहे हैं मौसम के टिकट टिकट और पता नहीं वहाँ से ट्रेन का कोई जी भी है यहाँ पर कोई जी फिट के बाद देख रहे हैं कि कब तक पहुँचते करके पहुँच जाएंगे सून एज पॉसिबल। चलो आपके आगे दिखाएंगे फिर यहाँ पर पहुँचे करते हैं। हम बस से उतर गए जो हमारे पीछे पास है, हम इससे उतर चुके हैं और हम काठगोदाम रेलवे स्टेशन में पहुँच गए प्लेटफॉर्म पर और हमें यहाँ से लेनी है टिकट। अभी ये काठगोदाम रेलवे स्टेशन का गेट ही है फिलहाल, पहुँच ही गए हैं और यहाँ से हम लेंगे अभी टिकट और तो उसके बाद हम आगे को बढ़ते हैं। और हमारी 8:40 को ट्रेन भी है फिलहाल, अभी दिल्ली जाना है हमने पहले स्टेशन में। दोस्त लगे हैं दोस्तों से बात करने में, 2 दोस्त यहाँ से आएंगे, मनीष और अमन जो हमारे लास्ट ब्लॉक में मिले थे और उसके बाद हम आगे कपड़े जाएंगे भैया। और हम पहले यहाँ से टिकट ले रहे थे, टिकट का चार्जेस आई डोंट नो हाउ मच बट हम उसको अभी परचेज करेंगे। तो रेलवे स्टेशन में लगा काठगोदाम टाइगर्स का एक सबसे पुराना रहा हुआ है इंजन, जो सबसे पुराना इंजन है उसको फ्रंट में लगा दिया इन्होंने और हम यहाँ पर जाते काठगोदाम स्टेशन पर आरक्षित अनारक्षित टिकट केंद्र देख सकते हैं।
और यहाँ से हमने टिकट लेना है। डाल टिकट कितने का भैया? और टिकट टिकट काउंटर अभी हमें सब टिकट लेंगे लगे पड़े भाइयों। अजय जी ने करा दिए टिकट 5, वो भी जर्नल। और इस बात को देख के मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि इसने पहली बार जो ऐसा काम किया है इसने खुशी का काम कर दिया है भाई। और आज बट के 40 मिनट की ट्रेन है फिलहाल, अभी फिलहाल हमारी, और हम जा रहे हैं काठगोदाम स्टेशन की और प्रवेश द्वार की ओर। सामने आप देख सकते हैं, अभी दिखाता हूँ मैं आप। ये देखिए प्रवेश द्वार काठगोदाम रेलवे स्टेशन का फ्रंट गेट, यहाँ से हम अंदर को प्रस्थान करेंगे फिलहाल। और हम अपना दोस्त का वेट करेंगे काठगोदाम स्टेशन पर, 8:40 पर है। टिकट देख सकते हैं 540 रुपये की हमें टिकट पड़ा है फिलहाल जनरल डब्बे के, और हमें अभी सीट घेरनी है और हम जा रहे हैं रेलवे काउंटर की ओर। ये देखिए ये रेलवे भाई साहब, मज़ा आ गया कि रेलवे स्टेशन के अंदर आके। लाइफ में यहाँ मैं 10वीं या 12वीं बार आ रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर तो मैं बस से सफ़र करता हूँ और मेरे दोस्त ज़्यादातर रेल से सफ़र करते हैं, ट्रेन से सफ़र करते हैं। रेलवे काउंटर के अंदर जाते जाते मज़ा आ गया। 7:40 की ट्रेन एक दिखा रही है, उसके बाद दूसरा, चलो ठीक है। हमें अब हमें प्लेटफॉर्म नंबर कौन से वाले पे जाना है? अच्छा प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जाना है फिलहाल, और हमारे दोस्त ने जनरल कोच पे जाने वाले हैं। हम घेरते अभी सीट, दोस्तों हमें सीट घेरनी है फिलहाल। और अजय ने काटी है दौड़, मोहित ने चेंज कर ड्रेस कोड अपने, और हमें पीछे वाले गाली पक रहे हैं साथ बिथक गए विकेट। ओम मोहित, मोहित हैव अ कॉल। चलो अब हम सबवे से दूसरे स्टेशन में चलते हैं और तब तक वो आ जाएंगे हमारे दोस्त अमन। और हमें जनरल कोच 3 नंबर प्लेटफॉर्म नंबर मिल गया है भाई, और हमें खरीदने चिप्स भी क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया है मेरे दोस्त ने। मैं तो एक रोटी खा के भी सुबह मैंने तो खाना खा लिया, मेरे दोस्तों ने नहीं खाया। मैं नंगे नहीं कहूँगा क्योंकि ये मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, इनके बारे में मैं अब शब्द नहीं कहना चाहता। प्लेटफॉर्म नंबर 2 और प्लेटफॉर्म नंबर 3, ये हमारी काठगोदाम दिल्ली की है जो इसमें बैठना है। अभी हम जनरल कोच देखते हैं। ओह वातानुकूल कुर्सी। ओ उत्तरांचल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, अपनी सीट दिखाएंगे डायरेक्टली। अब हम बैठने जा रहे हैं और उसके बाद सीधे हम जाएंगे सीधे लाल कुआं, रुद्रपुर, मुरादाबाद, दिल्ली के बीच में जो जो स्टेशन पड़ेंगे मैं आपको दिखाते भी रहूँगा। पहले सीट तो घेर ले। देखो दोस्तों हम ट्रेन के अंदर घुस गए और इन्होंने जनरल डब्बे घेर लिया पूरे के पूरे इन दोनों ने, और यहाँ कोई नहीं बैठेगा अब हम 6 जनों के अलावा। खिड़की खोल दी है, मजा आ गया भाई लोगों, हमारा जनरल कोच देख सकते हो आप। और फिलहाल मैं सोऊंगा कि सुबह से सोया नहीं हूँ, खिड़की है खराब, दोस्तों के परेशान, और देखते हैं थोड़ी देर में लगाएंगे तो खिड़की मिल गई सही। पहले वाले कोच में खिड़की अच्छी नहीं मिली थी और हमें अब जाके खिड़की अच्छी मिली और सीट भी मिल गई है। अब उनको बहुत पंखा भी लगा पड़ा है और हमें जनरल डब्बे में कौन सा डब्बा नंबर है? D15 में बुलाना पड़ेगा दोस्तों को, कर रहा हूँ। दोस्तों मेरे मित्र आ गए हैं अमन और मनीष, देखो दोनों फॉरेनर बन के आए हैं, आते तो फॉरेन से ही है फिलहाल ही, और सामने से आते जा रहे। ये देखो माय नेबर्स टोटोर, ये अमन और ये मनीष, वेलकम बैक। प्लीज सब्सक्राइब द कैमल फॉक्स। हाँ जगह घेरी हुई है भाई इसके लिए डब्बे एकदम बढ़िया। और यहाँ से हम थोड़ा सा खाने पीने का सामान लेते हैं, क्या क्या लेगा तो आप बता दो मेरे को। मैंने कहा कुछ सामान नहीं लिया, इन्होंने खा ली, मेरा काट रहे हैं बस हो गया, सॉरी ये गलत शब्द हम निकाल रहे हैं, वो गाली बक रहे हैं मेरे मुँह से, ये शब्द भी निकल रहे हैं। और ये देखो हमारे मित्र मनीष जी जो पिछले ब्लॉग में आया लग रहा हूँ रे तू है रे फिलहाल, और स्मार्ट मैं भी लग रहा हूँ फिलहाल अभी फिलहाल भाई। अब ये बैठे हैं और इनकी अपनी अपनी चल रही है, ये देखो कैसी कैसी डिस्कशन चल रही है। खड़े हो अब करके किया मैंने, मैं ऐसे ऊपर हो गया अज्जू, मजा आ गया हरी में चूला गया मैंने को, मैं इतना सही से समझाया था। अब तेरी तो चूती है ना कि हम भी क्या करें, अब ऐसे ही चल चुके हैं और हम आगे और बढ़ चुके हैं। और ये देखो सब लगे पड़े हैं हे आओ, और अब हम सीधे दिल्ली की ओर बढ़ते हैं, और बाकी बीच में काफी स्टेशन पड़ेंगे वो भी दिखाते रहेंगे। और हम दो चार ही पढ़ते भैया, दो चार पढ़ते काफी पढ़ते हैं भाई, काफी पढ़ते हैं तो आगे क्या दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों 1.5 घंटे के सफर में आप पहुंचे हैं लालकुआ जंक्शन, लालकुआ पहुंच गए, और फिलहाल अमन और मनीष गए हैं पानी भरने और थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक लेने, मोहित को सख्त जरूरत पड़ रही है ना चीज की, और अजय महात्रे ऐसे बैठे पड़े हैं और सब वेटिंग ही वेटिंग में लगे पड़े हैं। और यहाँ पर बहुत सारी भीड़ आ गई है, देखो भीड़ उमड़ते हुए बाहर से भाग रहे, देखो भीड़
ठीक है रोक लेंगे, सीट रोक लेंगे। फिलहाल यहाँ पे बहुत भीड़ होने वाली है, देखो अभी कितने जने आते हैं। ये देखिए अभी कितनी भीड़ होती है, समोसे गरम, सब चीज़ गरम कह रहे हैं यहाँ पर। फिलहाल बाहर से इतनी भीड़ है, लालकुआ जंक्शन में पहुँच के लालकुआ स्टेशन। और हमारे मित्र भी बाहर गए, दो जने, इनमें से एक जन को ही जाना था बाहर भाई, वो लालकुआ जंक्शन, इसलिए पी गया पानी। और ये चाय चाय चिल्ला रहा है, इसको पानी पीने का मन है तो ये चाय चिल्ला रहा है यहाँ पर फिलहाल। तो भाई वो ट्रेन चलने लग गई, ये देखो बिस्कुट खा रहा भाई, भूख लग गई मुझे, ये बात हम करके आ गया, खा रहा हूँ, नहीं खा रहा। तो हमारी ट्रेन निकल के आ गई और मैं बिस्कुट खा रहा हूँ, और अमन पेप्सी पी रहा है, और उसके बगल वाला बिस्कुट खा रहा है बर्बन। बर्बन तो नहीं खा पियोगे फिर आप, क्योंकि तुमने मीठा खा लिया। सो आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। रामपुर, और सबसे ज्यादा थके हुए हैं, क्या कहते हैं, गोल्डी फरार। गोल्डी फरार के बाद अजय कोहली जी को देखो, पूरे के पूरे बिखरे हुए। पिछले वाले ब्लॉक में आ गया, थक गया एकदम से, नाश्ते हुए जिनके पता बाल कैसे। तो रामपुर स्टेशन से निकले हम, और आज मनीष यहाँ से आगे का सफर तय करते हैं दिल्ली का, और रास्ते में आपको दिखाते रहेंगे मनीष और अजय के साथ। आइयो अब हम पहुँच गए मुरादाबाद स्टेशन, ये देखो आप अमन भाई खड़े बिल्कुल बैठे बैठे, और गोल्डी फरार को देखो। ये थोड़ा दूर था, मेरे से रियल में व्लॉग बना रहा है, तुम वही बोल। अच्छा ठीक हो गया, कल तू देख लेना, तू सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल, पता चल जाएगा इसने क्या कर रखा है, ये चुप करता ही है। गोल्डी फरार चला रहा है, इतने सालों से हमारा नहीं कर रहा, आप करेगा। पहुंच गए इधर, और ये कह रहा कि ब्लॉग बनाना है, तो मेरा नाम मोहित, दो मोहित ही तो मेरा नाम, और लेके आ रखा भाई। वैसे भी ये भाई कहता मुझे ब्लॉग मत लिया करो। तो अभी थोड़ी देर, हम आधा घंटा यहाँ पर रुकेंगे, उसके बाद हम आगे को निकल जाएंगे भैया। कितने रुपए का पूछ, हम गाजियाबाद पहुंच गए हैं, और आधे से ज्यादा रास्ते में हम सो गए, तो हम तुम्हें स्टेशन दिखा नहीं पाए। मेरा भाई मोहित भी थका थका सा लग रहा है बिल्कुल, और अमन तो कह रहा है, और ये दोनों भी थके पड़े हैं। एक्सरसाइज करने के लिए तैयार है, और हमारा रेलवे स्टेशन गाजियाबाद का। अरे चलो यार, और ट्रेन अभी 15 से 20 मिनट यहाँ पर रुकेगी, और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेशन, अपना लास्ट स्टेशन ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन में पहुँच जाएंगे। तो देख सकते हैं भाई लोग, मनीष भाई और अजय भाई स्टेशन में बैठे हुए, और हम स्टेशन के अंदर ही बैठे क्योंकि भीड़ तो बहुत ज्यादा है, देख सकते हो स्टेशन तो हाँ ट्रेन में बैठे हैं, हमने स्टेशन कह दिया ना, गलत कह दिया, ब्लॉक में ये भी डालना पड़ता है। तो भाइयों गाजियाबाद स्टेशन में आज बहुत भीड़ है, वो तो रेवजी रहती है, और अमन भाई वैसे ही परेशान चल रहे हैं, देखो नींद आ रही है, नींद आ रही है, और सुबह से सोए भी नहीं, और जल्दी भी उठ गए सब, के साथ हालत वाईफाई के बाद सारे का सारा ऐसे चल रहा है। फिर से आखिर मैंगो वाले ठंडा मैंगो दोस्तों, सामने तुम यमुना पुल देख सकते हो, यहाँ श्री कृष्ण अपनी रासलीला करा करते थे, और अभी ये बिल्कुल शांत है, एक्चुअली जंगल के पास हम आगे ही बढ़ रहे हैं, और यहाँ से दिल्ली हमारी दिल्ली स्टेशन थोड़ा सा ही रह गया है, लाइक 1 किलोमीटर लगभग लगा, अभी स्टेशन नियरेस्ट रह गया है, और हम जाएंगे यहाँ से सीधे अपने दोस्त के पास, पहले तो घूमते हुए उसके पास आपका इंतजार करेंगे 9 बजे तक का 10 बजे तक का, और 10 बजे के बाद हम निकल जाएंगे सीधे जम्मू। जम्मू जाने के बाद हम अभी नीचे के सौंदर्य का मजा भी नहीं रहे यमुना का, और स्मेल बड़ी गंदी है। तो आप देख सकते हो लाल किले की दीवार है, और अभी हम इसी रेलवे को जाएंगे। सो दोस्तों फाइनली हम दिल्ली पहुंच चुके हैं, और दिल्ली स्टेशन में अब हम बैठते हैं, और मेरे सर में भी लग गई है, और हम निकलते हैं आगे की ओर, और दिखाते हैं आपको सफर का मजा, सफर का मजा। सब उतरने लगे हैं, और सब चढ़ गए ऊपर, भीड़ खचाखच में है, खचाखच भरी है भाई। और लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, दिस इज रियलियो एंड अमन सिंह, कैंपिंग फॉक्स के मालिक, ओनर, सीईओ, जो भी कह सकते हो आप। दोस्तों आज भीड़ बहुत ज्यादा है, और देख लो मोबाइल फूटने का भी डर है, लगता है चढ़ी ना पाएंगे। चलो चलो चलो, आज बहुत ज्यादा भीड़ है आज।
भैया स्टेशन में भीड़ देख सकते हो, प्लेटफॉर्म नंबर चैनल बटन भी दबाए सब्सक्राइब का, और देखो आप भीड़ देख सकते हो, आज काफी भीड़ है बहुत ज्यादा। चलते हैं हम आगे की ओर, तो मेरे दोस्त भी वेट कर रहे हैं फिलहाल सीपी में, तो उनसे भी मिलके आऊंगा अभी फिलहाल, और उसके बाद मिलने के बाद 8 बजे करीब 9 बजे करीब अपने स्टेशन पर पहुंच जाऊंगा बैक टू जम्मू के लिए, क्योंकि वैष्णो देवी जाना है हम सबने और मज़ा भी आ रहा है। और यहां से निकलने के बाद आपको बताते हैं कि कहां को जाना है हमें, जैसे कश्मीरी गेट जाना है। ये दिल्ली ओल्ड रेलवे स्टेशन दिल्ली जंक्शन है और पुराना है, यहाँ से निकासी के लिए हमें आगे को जाना पड़ेगा, ये दिखाया निकासी डिब्बा, और यहाँ से हम सीधे सीधे आगे को निकलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है यार इस स्टेशन में, तो पहले कभी होती नहीं है, ठीक है पहले भी होती होगी, मैं तो सेकेंड या थर्ड टाइम आ रहा हूँ यार ये रेलवे से। और स्टेशन में काफ़ी भीड़ होने के बाद अब हम आउटिंग की ओर चले जाते हैं, जिससे हम स्टेशन से बाहर निकल जाएंगे। ये बाहर से दिखने में बहुत खूबसूरत है और सबसे पुराना रेलवे स्टेशन भी है दिल्ली का, ओल्ड रेलवे स्टेशन कह सकते हो जिसे आप, और खूबसूरत नज़ारे के साथ हम आपको दिखाते भी रहेंगे दिल्ली की और सड़कें और पब्लिक। दिल्ली मेट्रो स्टेशन में कैसे सोए पड़े हैं, अब निकासी की ओर पहुंच गए हम, यहां से आराम से निकासी भी हो जाएगी हमारी, नो एग्जिट। ज़्यादा भीड़ है स्टेशन के बाहर, आप देख ही सकते हो फिलहाल, ये देखिए भाई भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, और हमें जाना है कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन नियरेस्ट जो भी होगा, उसके बाद हमें अपने नेक्स्ट पॉइंट पर जाना है, और हम जब यहाँ से आगे तो लगी भूख भाइयों, और उसके बाद हम मेट्रो स्टेशन में जाते हैं, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, और फिलहाल अब हम मेट्रो स्टेशन पहुँचाएंगे, देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं, 5 मिनट का रास्ता है मेट्रो स्टेशन का, बस निकलते हैं आगे को। भाइयों मैं अपने दोस्तों को छोड़ के मेट्रो स्टेशन के अंदर आ चुका हूँ, और ये मेट्रो में आप भीड़ देख सकते हैं, और मेरे को जाना है सीपी, और मैंने सीपी का टिकट कटवा लिया है। भाइयों अब मैं निकल चुका हूँ सीपी को राजीव चौक, अभी 15 मिनट को स्टेशन बाद है, 15 मिनट में पहुँच जाता हूँ सर सीपी, और मेरे दोस्त मेरे वहाँ वेट कर रहे हैं, अभी उनसे भी मिलाऊंगा, जो लास्ट टाइम मेरे को मिले थे बालू घर वाले। तो दोस्तों मैं मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल गया हूँ, अब मैं पहुँचा सीपी गेट नंबर 1 पे, और मैं अपने दोस्तों का वेट करता हूँ यहाँ पर, पता नहीं कहाँ है, कॉल भी करता हूँ, फिर जाते सीधे उनसे मिलता हूँ। दोस्तों 5 मिनट हो गए, मेरे दोस्त अभी तक आए ही नहीं है, मैं वेटिंग ही कर रहा हूँ, पता नहीं कितनी देर में आते हैं। ओ आ गए आ गए आ गए आ गए, मेरी गर्लफ्रेंड आ गई है, और वो भी आ गई, उसकी दोस्ती आ गई है और मिल चुका हूँ इनसे मैं। दोस्तों ये खींच रही है फोटो, और वो कर रही है घर में बात, शायद उसके घर से फ़ोन आ गया, शायद बुला रहे हैं, मगर जाएगी नहीं, मेरे लिए आई है ना इसलिए जाएगी तो नहीं, जाने भी नहीं दूंगा फिलहाल। और ये अक्की रॉक स्टार देख कैसे खुश हो रही है एकदम। फाइनली दोस्तों मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे इसकी बहुत याद आएगी, और इसकी भी सही बात है, और मैं ये भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, भी नहीं करते इतना प्यार जितना ये मुझसे करता है, इसी की वजह से तो मैं जिंदा हूँ। ये मेरी लाइफ लाइन है, मैं मर जाऊंगी इसके बिना, इसे नैनीताल छोड़ के यहाँ पे आ रही होगा, इसे दिल्ली में शिफ्ट होना पड़ेगा, वो हो जाऊंगा इसके लिए, मैं दिल्ली भी शिफ्ट हो जाऊंगा, ठीक है दोस्तों, मैं इसके लिए दिल्ली भी शिफ्ट होना चाहता हूँ, चल रही है मैं तो उड़ जाऊंगी, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा अच्छी लगती है दोस्तों, मैं इसके लिए लास्ट ऑप्शन भी और फर्स्ट ऑप्शन दोनों करना चाहता हूँ, फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन बनना चाहता हूँ, फर्स्ट और लास्ट दोनों। मैंने कहा था लीव हर बहुत, अब मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, और अब मैं जा रहा अपने दोस्तों के पास, उनसे मिलता हूँ, वो मेरा राजीव चौक में वेट कर रहा है, और मैं मेट्रो स्टेशन के अंदर ही हूँ। आप भीड़ देख सकते हो कितनी ज़्यादा है आज, ये यहाँ तो डेली रहती है इतनी ज़्यादा, ये एक तो आवर टाइम है ना, छुट्टी का टाइम हो जाता है वर्करों का, तो इस चक्कर में यहाँ पर ज़्यादा भीड़ रहती है फिलहाल, तो आप देख सकते हैं वो मेरा क्या कहते हैं गेट नंबर 2 पे वेट कर रहा है स्टाफ, मेरे दोस्त मेट्रो के अंदर ही खड़े, ये अमन अजय और मोहित ने कितने साथी खाए। दोस्तों अब हमें जाना है शास्त्री नगर, जो कि गेट प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आएगी, और हम वहाँ की मेट्रो पकड़ेंगे, और मेरे दोस्त भी मेरे को मिल गए हैं वापस फिलहाल, राजीव चौक में मेरा इंतज़ार कर रहे थे, इन्होंने डायरेक्टली मेरे को पकड़ लिया एकदम ऑन द टाइम, तो अब हम फाइनली निकलते हैं आगे की ओर जम्मू की ओर।
भीड़ देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा है फिलहाल मेट्रो स्टेशन है। यार भीड़ बहुत ज़्यादा है भाई एक्सकलेटर में जाना पैदा मेरे दोस्त जा रहे इसमें देखो एक्सकेवेटर में बैठ के। आज यहाँ पर बारिश बहुत तेज है आप देख सकते हो और भीड़ भी है और बारिश भी है बहुत तो समझ में नहीं आ रहा क्या करा जाए फिलहाल देखते हैं क्या होता है। दोस्तों हम निकल गए हैं अभी स्टेशन से बाहर मेट्रो स्टेशन से अब हम जाते हैं सीधे रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन का नाम क्या कह रहा था तू भैया? सराई रोलेवेल्ला जो भी नाम होएगा उसका रोहेल्ला। हमें सीधे वहीं जाना है और हमें सीधे एक ऑटो पकड़ना पड़ेगा ऑटो पकड़ के सीधे स्टेशन पहुंचना है हमें। तो भैया बारिश इतनी हो रही है सब गए भीग और हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन थोड़ा सा नियरेस्ट है हमारे तो अब सब बितक रहे एक दूसरे पे कहाँ छोड़ दिया देखो कैसे कैसे बितक रहे भाई लोग। रेलवे स्टेशन जाना है सबको और अमन ने बितकार का मोहित को वो गुस्से में है। ये देखो ये कह रहे थे नारायण चौराहे में उतार दिया और उतरना था हमें काठगोदाम जैसे नैनीताल में है ना एक स्टेशन और फिलहाल हम जाते हैं और स्टेशन का मुख्य द्वार देखते हैं और फिर सीधे बैठेंगे जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी के लिए। तो दोस्तों रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार पर पहुंच गए हम और अब सीधे ऊपर को चढ़ते हैं। ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन का मुख्य द्वार और हमें प्लेटफॉर्म नंबर पता नहीं कौन से पे जाना है और पता नहीं क्योंकि भीग तो काफ़ी गए हैं और बारिश भी तकड़ी हुई है। बारिश में पूरा भीग गए भाई आज हम बहुत ज़्यादा भीग गए क्योंकि बारिश हो रही बहुत तेज हमें जाना जम्मू। प्लेटफॉर्म नंबर देखते हैं अभी हम सफे में मिस्टर अमन मनीष अज्जू मोहित ये तो पूरा तर्र हो गया भाई भीग कर और मैं भी भीग गया पूरा भीग गया है पूरा का पूरा बहुत ही खतरनाक तरीके से और सीधे के सीधे हम यहाँ से एंट्री करते हैं। हमें चेकिंग करवानी है फिलहाल अभी चेकिंग करके फिर सीधे अंदर को चलेंगे। तो चेकिंग हो गई है भाई और सीधे जाते हैं स्टेशन की ओर और प्लेटफॉर्म नंबर कौन सा हमारा आज हमें तो ये पता नहीं है कि कौन से नंबर पर हमारी ट्रेन आने वाली है। प्लेटफॉर्म नंबर देखते हैं फिलहाल अभी कहते रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर। दोस्तों अब हम अपने ट्रेन के पास पहुँच गए हैं और देखते हैं सीट कहाँ पर कंफर्म है। वैसे तो है नहीं कंफर्म अगर कंफर्म करानी पड़ेगी कोई टीटीटी मिलता है तो अगर और यहाँ से सीधे निकलेंगे हम फिर जम्मू कश्मीर की ट्रेन पर। जो ट्रेन है हमारी यहाँ से चलेगी 10 बजे करीब और सीधे मॉर्निंग पता नहीं कितने बजे पहुँचती है मुझे तो पता भी नहीं है फिलहाल। और दोस्त लोग कन्फर्मेशन के लिए लगे पड़े हैं कि कैसे होगा कन्फर्म बट करना तो पड़ेगा सीट कन्फर्म करनी पड़ेगी देखते कितनी देर में होती सीट कन्फर्म। तो अब तो मैं सीधे मिलते हैं ट्रेन के अंदर थोड़ा देर रेस्ट करते क्योंकि थक गए बहुत देर। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप ट्रेन जम्मू दुरंतो एक्सप्रेस और सब आप आराम से देखो ये रेलवे स्टेशन। इसके बाद हम सीधे आगे को बढ़ जाएंगे इसमें ट्रेन में बैठते हैं क्योंकि अभी 10 बजे की ट्रेन कह रहे हैं और 10 बजे तक हम यहाँ बैठे रहेंगे क्योंकि अभी तो 8:30 ही हो रहा है 2 घंटे वेट करना पड़ेगा हमें। फिर उसके बाद कन्फर्मेशन होगा तो फिर सीट मिलेगी फिर उसके बाद थोड़ा कंपनी द्वारा जम्मू कश्मीर तक का चले जाएंगे ऐसी। भाइयों हमारे साथ हो गया है कार्ड हमारी टिकट हो गई कैंसिल हम जाएंगे जम्मू कैसे जाएंगे इसको आ रही नहीं और अपने कंफ्यूजन में कैसे होगा करके अभी टीटी से बात करिए देखो कोई तो सोल्यूशन निकलेगा उसको सीट मिल जाएगी शायद कंफर्मेशन की तो हो जाएगा सीट मिलना जरूरी है लाजमी है देखते हैं अभी फिलहाल क्या होता है। तो फाइनली दोस्तों हम चलते हैं अब जम्मू की ओर को सबों का मूड खराब क्योंकि टिकट बड़ी देर में कंफर्म हुआ है अब सबों को नींद आ रही है अजय गोली जी को भी नींद आ रही है कहाँ से सोया नहीं है उनकी आँखें सूजी सी पड़ी है थोड़ा सा। तो अब सीधे मिलेंगे आपको जम्मू की ओर को निकल चुके हैं और मैंने बेड शेयर कराया है अजय जी के साथ और काफ़ी ठीक है और सुबह से थके हुए सबके साथ तो अब चलना बनता है हमारा और हम सोते हैं और आज यहाँ पर सीट मिलने में भी बहुत दिक्कत हुई है तो चलो फिर अब स्लीपिंग टाइम होता है तो ओके बाय बाय सी यू और लाइक एंड सब्सक्राइब करें दिस इज़ रियो लियो 93104 ये मेरी आईडी का नाम और आप सब्सक्राइब और लाइक बेल आइकन तो दबा ही सकते हैं प्लीज़ ऐसे ही प्यार बरसाते रहना अगर अच्छा लगे तो।